नमस्कार और प्रणाम, स्वागत है आपका टू द मैजिक लाइन्स के सीजन टू के 22nd एपिसोड में। एंड बहुत टाइम बाद गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मैजिक लाइन्स दोबारा से। एंड ये जो आप सामने पर्वत पहाड़ देख रहे हो, उसके ऊपर आज हम लोग गिरियारोहण करने वाले हैं। जिसको नहीं मालूम गिरियारोहण का मतलब क्या होता है, वो जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ने का ट्रिप करते हैं ना। अबे साला, ये देख इधर है, ये देख साले। हाँ सही है। तो अभी हम लोग ना ऊपर जाने वाले पहाड़ पे गिरियारोहण करने के लिए, माउंट पर्वत चढ़ने उसका मतलब होता है। ओके, तो हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं गाइस, मज़ा आने वाला है। एंड गिरने के चांसेस है थोड़े बहुत, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान से चल रहे हैं। ब्लॉक्स भी हमारे पास 64 एक स्टैक में हुए हैं, अच्छी बात है ना, है तो सही। एंड जल्दी जल्दी चढ़ते ऊपर, क्योंकि हमें एक मस्त लेवल का व्यू लेना है। ए माइम्ब्रोल, उधर कोई है उस साइड में? हाँ उधर ही। ए तू लोकेट कर, कोई है क्या उधर? मेरे को कोई जंप करता हुआ दिखा बहुत हाई लेवल पे, दिख गया तेरे को? किधर है? ओ माई गॉड, ये कौन है भाई? अभी ये डेडलाइन एंटी दी की तरह क्या है? ये डेडलाइन एंटी दी है? नहीं, ये बोल रहा है डेडलाइन एंटी दी नहीं है। तो कौन है ये? हाई जंप पर मर भी नहीं रहा, मतलब एंटी दी है ये, बट है कौन? कौन सी एंटी थी? अबे गिरा इसको डायरेक्ट नीचे ही, डेडलाइन से तो पावरफुल नहीं होगी। डेडलाइन से पावरफुल है साला? रुक, इसको तो मैं मारूंगा, रुक। अभी भैंस तेरी आंख मेरी, ये बात होनी चाहिए। जल्दी जल्दी गिरा ही ना, डायरेक्ट गिरा इसको नीचे, कोई कुछ नहीं पूछने वाला किधर मरा जाके, डायरेक्ट गिरा। भाई मेरा बंदा फॉल डैमेज खा रहा है, हेलो व्हाट द हेल। एक मिनट, टोटम हाथ में रखो, साला गिरने का बहुत हैवी चांसेस है भाई। एक तो नॉकबैक तू उससे मार रहा है, ये बंदा कौन है, कौन ये नया ही? मार इसको नीचे ही, गिरा डायरेक्ट। स्लैश मिलनी भी नहीं चाहिए किसी को। इसको भी फॉल डैमेज हो रहा है ये बोल रहा है। हाँ गिरा ही इसको ना, गिरा। कुछ पूछ मत, इसकी लाश किसी को नहीं मिलेगी नीचे। गिरा डायरेक्ट। अबे पीली नहीं रहा है तो खा के फॉल डैमेज से मरेगा हलकत साला। अबे मार साले को। एक तो ये इसका पानी, इसका मेरे को आग लग रहा है इसका, भाई अपना क्या नाम है माइनब्रॉल का, इसका आग मुझे जाके लग रहा है साला। इसके आग का क्या करूँ अभी, तुम ही बताओ। मार ना, मरेगा ये। मर तो रहा है नहीं, कहाँ से मरेगा है, ज़्यादा ही दिखता है तेरे को युवराज। मार साले को, मार सकते हैं मिलके, मार गिराएंगे इसको। तो बोलता हूँ पहाड़ से गिरा दो ना, किसी को बताने के लायक नहीं रहेगा कौन मारा। अबे साले, हल्ला ये हमें मारने के लिए प्लानिंग में है बे। ये इवल डिमन किंग किस किस को भेजे जा रहा है, बहुत बड़ा खतरा बन रहा है ये। ये हमारी दूसरी एंटिटी इसने बना दी है अभी। डेडलाइन किधर है, इससे पूछना पड़ेगा। ए डेडलाइन किधर है, मार डालेंगे हम तेरे को, बता जल्दी डेडलाइन किधर है साले। बताएगा ये, रुको इससे ज़बरदस्ती पूछेंगे हम लोग इसको, कैद करके इसको पीलते हैं थोड़ा अभी, तभी ये ना कुछ बताने के मूड में आएगा, वरना तो लग नहीं रहा पूरा ना, हमें ही मारने के मूड में लग रहा है ना। तू तेरी तो, तेरे को गिराएंगे यहाँ से। रुक अभी थोड़ा सा रुक जाओ गाइस, इसकी अंत करते हैं। रुको, ये आया आज ही है और जाएगा भी आज। इवल डेमन किंग को भी पता चले बेटे हम भी कोई कम नहीं है, हमारे माइंड ब्रॉल पे भी बहुत पावर है। अरे मर क्यों नहीं रहा माइंड ब्रॉल अब से, इसका डायमंड आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है लग रहा है। मार साले को। हाँ किधर गया? अबे ये तो इसको इस टारगेट बना रहा है, ये देख कैसे उछल रहा है एकदम, मारेगा इसको, मैं मारेगा। रुक तू निकल, इसको तो मैं बजाता हूँ, रुक साले।
एक तो नॉकबैक टू है इस पे, नॉकबैक साला, एक तो उड़ भी रहा है, नॉकबैक टू भी है, सब कुछ इस पे ही है साला, हम पे है ही नहीं कुछ, हम तो नंगे पाव आए ना लड़ने। नहीं ऐसा नहीं है, तेरे को भी हम मार सकते हैं, चिंता मत कर, गिरा ना नीचे, गिरा इच शार्पनेस फायर लगा है मेरे पे, नॉकबैक टू लगाना भूल गया मैं। हम लोग वापस पहाड़ पे आ चुके हैं एंड अभी ना इसका इसका कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ये घेर रहे है। वो देखो उसका आर्म टूट गया है पर वो मर नहीं रहा। इसने मुझे बोला कि इसके पास भी पावर्स है क्योंकि ये वर्ल्ड इसका भी है गाइस, और आधा उसका है, 50 इसका 50 इवल डिमन किंग का अभी के लिए है। ओके 50 इसका ही है अभी के लिए, जब तक इससे आगे लेवल का कुछ कोई आएगा नहीं। और साला 50-50 का तुम लोग दोनों गेम खेल रहे हो मेरे खिलाफ। We'll be right back.
व्हाट द हेक, किधर गया ये? हेलो, मर साले, तू तो मर। ये गया किधर? फंसा दिया इसको माइनक्राफ्ट, फंसा दिया क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, फंसा दिया भाई। ओ साले, इसके इसके नाम के बारे में सब पूछ इसके बारे में साले। ओके गाइस, इसने इसके बारे में ना सब इंफॉर्मेशन ले ली, बट इसने ना, इसने भाई ईवल डिवन किंग की लोकेशन और शेप शिफ्ट गॉड और स्पेस गॉड की लोकेशन अब तक नहीं बताई। मैं भी मारेगा। अरे वो तो हम डेडलाइन एंटिटी से नहीं जान सकते गाइस, क्योंकि इस एंटिटी ने ऑलरेडी उसको ट्रैप करके रख दिया है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अच्छा हुआ साले तूने ट्रैप कर दिया। बाय बाय। ओके, तो इस बंदे के बारे में जान लेते हैं। इस एंटिटी का नाम है भावी 303, एंड ये भी उनमें से एक है जिसको ईवल डिमन किंग क्रिएट करते रहता है। मतलब समझ लो कि अगर हमने उसको ना जल्द उसको ख़त्म नहीं किया तो हमारे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसको कितनी भी एंटिटी वो समन कर ले, मतलब क्रिएट करे, वो उसको कम नहीं है, वो अनलिमिटेड क्रिएट कर सकता है। देखो डेडलाइन एंटिटी और ये भी अभी ख़त्म हो चुका है, बचता वो मेन आदमी ही है जो कि इन सबको क्रिएट कर रहा है एंड इन सबको खोल भी सकता है, यानी कि खतरा वो ही चाहे अभी, एंड उसको भी जल्द ख़त्म करना पड़ेगा वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।